खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं किसी भी काम के विरोध का आधार अगर तर्कपूर्ण ना हो तो फिर उस विरोध का और विरोध करने वालों का उपहास ही बनाया जाता है, उपहास ही होता है। आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूं। कांग्रेस तर्क के बगैर विरोध कर रही है एक बार फिर से बीजेपी का, इस सरकार का। आप जानते हैं कल फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल की जो पारंपरिक तौर तरीके से पूजा अर्चना की है ये कांग्रेस को नागवार गुजरा है। लेकिन अब कांग्रेस में ही इस पूरे की पूरे पूजा अर्चना और शस्त्र पूजन को लेकर दो फाड़ हो गई है। एक पक्ष में है, दूसरा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है एक ही पार्टी में। हमने इसीलिए कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के लिए और बाकी उन तमाम लोगों के लिए एक इतिहास की वीडियो तथ्यों की रिपोर्ट तैयार की है। इसे आप देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आप ये समझ पाएंगे कि धर्म और परंपरा इनमें बहुत बारीक अंतर होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। विजयदशमी के अवसर पर हमारे यहाँ शस्त्र पूजा होती है। देश के लिए जिस शस्त्र को हम लोग ले रहे थे, जिसकी हैंडिंग ओवर सेरेमनी थी, उसी शस्त्र की मैंने पूजा की, उससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। देश के बाहर हुई रफाल की पूजा देश में राजनीतिक संग्राम की वजह बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान ड्रामा बनाम परंपरा का रंग ले चुका है। ये तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये तो रफेल, जब हम कोई गन खरीदते हैं, चाहे पहले बोफेस गन खरीदे, कोई ऐसा वहां जाके उसको एक दिखावा करके कोई नहीं लाया। ये लोगों के भावनाओं को शोषण करने का, एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका। What is the thing of the defense minister receiving it? I think the defense forces people should be receiving it. It's a just another weapon that you are buying. Also, this whole religious context of Vijayadashmi and the Rafael aircraft doesn't match. It's a, the whole problem with this government, you dramatize and make a drama of everything without any substantive work. Congress का कहना है कि झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी माइलेज लेने के लिए रफाल की पूजा की गई। कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के कैथल में दिया। देश के रक्षा मंत्री राफेल को शामिल करने के लिए विजयादशमी के दिन फ्रांस की भूमि पर गए, उन्हें राफेल के आयुधों का शस्त्र पूजन किया और यहां कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग गया। मैं इनको कहना चाहता हूं, तनिक रात को सोचा करो कि किसका विरोध करते हैं, किसका नहीं करते। अमित शाह के इस बयान को बीजेपी ने ट्विटर पर एक कदम और आगे बढ़ा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में बोफोर्स का जिक्र आने पर बीजेपी ने लिखा, कांग्रेस पार्टी क्वात्रोची की पूजा करती थी, इसलिए उसे शस्त्र पूजा से तो परेशानी होगी ही, और खड़गे जी आपका धन्यवाद जो आपने बोफोर्स घोटाले की याद दिला दी। इस शस्त्र पूजा को तमाशा तो नहीं कहा जा सकता, हमारे देश में शस्त्र पूजा करने की एक परंपरा रही है। लेकिन तकलीफ यह है कि खड़गे जी नास्तिक है और कांग्रेस पार्टी में हर आदमी नास्तिक नहीं है। तो ये हुई राजनीतिक बहस, लेकिन कांग्रेस जिसे ड्रामा बता रही है वो भारतीय परंपरा का हिस्सा है। रक्षा उपकरणों की पूजा कोई नई बात नहीं है, तीनों सेनाओं के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स में भी शस्त्र पूजा होती है। हाल ही में जब 3 सितंबर को अमेरिका में बने अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, तब भी परंपराओं के मुताबिक नारियल फोड़ा गया, मंत्रोच्चार हुआ। हालांकि तब यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मगुरु भी मौजूद थे, लेकिन फ्रांस में कोई धर्मगुरु साथ नहीं था, इसलिए राजनाथ सिंह ने अकेले पूजा की। प्रतिवर्ष विजयदशमी के अवसर पर हमारे यहाँ शस्त्र पूजा होती है। अब इस बार मैं अपने आवास पर नहीं था, यहाँ पर था, तो देश के लिए जिस शस्त्र को हम लोग ले रहे थे, जिसकी हैंडिंग ओवर सेरेमनी थी, उसी शस्त्र की मैंने पूजा की, उससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। देश में बने तेजस विमान को भी वायुसेना में शामिल करने से पहले उसकी पूजा की गई थी। ओम प्रकाश संसार जंतर
हिंदुस्तान की परंपरा धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर है, तभी तो देश के प्रधानमंत्री चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, हर साल विजयादशमी के दिन रामलीला में राम, सीता और लक्ष्मण को तिलक लगाते हैं और रावण दहन करते हैं। उपराष्ट्रपति रहते हुए हामिद अंसारी भी रामलीला के मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे। खुद राष्ट्रपति कलाम नवरात्रि में दुर्गा पंडालों में जाते थे। इसी तरह शस्त्र पूजा भी भारतीय परंपरा का हिस्सा है और कल फ्रांस में रफाल की पूजा कर इसी परंपरा को पूरा किया गया। शस्त्र पूजा का इतिहास कई जगहों पर मिलता है। मान्यता है कि रावण के वध से पहले भगवान राम ने शस्त्र पूजा की थी। 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास से लौटकर पांडवों ने भी शस्त्र पूजा की थी। सिख भी शस्त्र पूजा करते हैं। दशम ग्रंथ के 5वें अध्याय में इसका जिक्र है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे आयुध पूजा कहते हैं। महाराष्ट्र में शस्त्र पूजा को खंडे नवमी के रूप में मनाया जाता है। रफाल की शस्त्र पूजा से शुरू हुआ विवाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय रहा। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी के ट्विटर हैंडल से रफाल की एक फोटो शेयर की गई, जिस पर बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हॉर्न ओके प्लीज और शुभ लाभ लिखा है। सुशील नाम के यूजर ने रफाल की एक फोटो शेयर की, जिस पर नींबू मिर्ची लटकी थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ खड़े हैं। मनोज नाम के यूजर ने एक फोटो शेयर की, जिस पर एक तरफ ओम लिखा है और राजनाथ सिंह पूजा करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर स्वाहा लिखा है और इसमें कांग्रेस, पाकिस्तान और लेफ्टिस्ट को दिखाया गया है। रितांशु दुबे ने जो फोटो शेयर की, उसमें रफाल बम की जगह बर्नौल गिराते हुए दिखाया गया है। श्रीनिवास ने गाड़ियों की पूजा के साथ रफाल की पूजा की तस्वीर का कोलाज बनाया है और लिखा है कि हमें भारतीय परंपरा पर गर्व है। कांग्रेस के कुछ नेता जिस वक्त राजनाथ सिंह की रफाल पूजा पर सवाल उठा रहे थे, उसी वक्त सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह रामलीला में राम की आरती उतार रहे थे, तीर चलाकर रावण दहन कर रहे थे। और अब आपको भारतीय संविधान की एक झलक देखनी चाहिए, जिसमें हमारी परंपरा है और जो हमारी व्यवस्था भी है और शासन भी। India is a big country. The original constitution was also big. The fundamental right chapter. And what is the sketch? Lord Ram returning to Ayodhya from Sri Lanka with Sita and Lakshman. That is the second part.